आपको बता दें कि हम हैं यूपी से और हमारा धर्म है सनातन, और हम अपना नव वर्ष ऐसे क्लबों में पार्टियां करके नहीं मनाते, हम बनाते हैं भगवान के दरबार में। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ई पैकिंग हमने किस लिए करा है, और हमने आप लोगों को कहा था कि आप 1 जनवरी तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दीजिए, पर कोई नहीं, आपकी भी कुछ मजबूरी रही होगी कि आपने नहीं कराए। लेकिन अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। लेकिन हम जा कहां रहे हैं, आपको पता तो चल गया होगा कि हम मंदिर जा रहे हैं, पर कौन से वाले, चलिए आपको वहां ले ही चलते हैं। वहां पहुंचने के लिए हमारा सफर 30 घंटे का होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री राम। फाइनली अभी सारा सामान हम इकट्ठा कर चुके हैं, और भाई चाचा वगैरह सब आ चुके हैं। मैं चाचा से मिलवाता हूँ। ये रहे चाचा, और ये आपका नाम क्या था भैया? ये रोहित भैया हैं, और ये हैं अजय भैया, ये तो अपना ललित भाई, ठीक है। और भाई अब सारे पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। आप ट्रेन चला रहे हैं तो चलाने नहीं आती, हम अजय को भेजेंगे ट्रेन चलाने के लिए, उड़ा देंगे जी। इतने लूडो खेल खेल के बिताया, और पत्ते खेले, भाई ने पत्ते सिखाए हमें। हाँ, हमें भाई ने, जतिन भाई ने हमें पत्ते खेलने सिखाए। उसी को दो बार हराया हमने। भाई कॉफी भी हार चुके हैं, भाई पेप्सी भी हार चुके हैं, अरे भाई भी एक कॉफी हारे है। आप थोड़ा कैमरा घुमाइए पब्लिक की तरफ, पब्लिक को दिखाइए थोड़ा। सारे अंकल भाई भाई सब बैठे हुए हैं, और तुम कल जाए, ये दिल्ली से हमारे साथ है। और ये A few moments later, अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज चुके हैं, और हमें भाई 24 घंटे से भी ज्यादा होने वाले हैं, 24 घंटे तो होने वाले हैं प्रॉपर हमारे, वो भी 10:40 हमारे 24 घंटे हो जाएंगे इस ट्रेन में बैठे बैठे। और भाई अभी ट्रेन रुकी है, पता नहीं कौन सा स्टेशन पे, मेरे को नाम नहीं पता। घंटे हो चुके हैं 22 घंटे अभी हमें 22 घंटे हो चुके हैं। और भाई ये देखो, पूरी तो दिल्ली से पूरी भाई जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए हो कि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। जस्ट अभी हमारी ट्रेन रुकी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और अभी तुम लोगों ने जो भी सिनेमैटिक शॉट ले रहे, कुछ चाचा ने लिए थे, कुछ मैंने लिए थे, कमेंट करके बताया तुम्हें कैसे लगे। काफी देर से जूझते हुए, तूफान हो, आंधी हो, जूझते रात भर लूडो खेलते हुए, भाइयों की नींद हराम करते हुए, उसका मजा लेते हुए अब हम आ चुके हैं भुवनेश्वर। रात से याद आया, तो स्वीट इतने सी मोटा फैल गया पूरा, सोंदे क्या 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 मोटे ने पूरी जिंदगी हराम कर रखी है मेरी, 2 दिन से पूरी सीट में फैल जाता है, सोने नहीं देता ये मोटा। थोड़ी देर में हमारी ट्रेन हो सकती लेट होगी 4-5 घंटे, मगर हम भुवनेश्वर पहुंचने, सॉरी भोजपुरी पहुंचने वाले हैं थोड़े भोजपुरी। उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करते आप दिखाते हम कहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन रुकी है स्टेशन पे, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। अभी भाई कुछ खाने पीने की पीने का लिया, खाने का तो नहीं, अमूल कूल की बोतल नहीं है, 2 मेरे पास है, चाचा के पास है, बाकी 3 और बाकी है ले रहे। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। ट्रेन में थोड़ा सफर करने के बाद हमारी मुलाकात होती है इस प्यारे से बच्चे से। ये बच्चा जितना प्यारा था उससे कई गुना ज्यादा ये चतुर भी था। खैर, छोटे से बच्चे के पापा से अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कराता हूँ, फिर उसके बाद बच्चे से ये वाला डायलॉग बुलवाता हूँ। अजीज भाई, अजीज भाई, अजीज भाई।
बस बस भाई इसकी कमी थी, ये भी पूरी कर दी इन भाई ने लाकर। चलो फिर इसी बात पे हो जाए डांस। तो अभी भाई ये भी हमारा सब्सक्राइबर है, छोटा सब्सक्राइबर है, अभी भी सब्सक्राइबर बना है। तो अब ये भी यहीं उतर रहे हैं, हम भी यहीं उतरेंगे, पर हम भाई थोड़ा सिनेमैटिक शॉट से उतरेंगे। तो भाई उसको देखो, तुम एंजॉय करो। आपका जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। जय बाबा की। अरे भाइयों को राम राम। फाइनली फाइनली पहुंच चुके हैं वो भारत के बाहर। फाइनली ये 17। तो भाई स्वागत है आपका जगन्नाथ उड़ीसा के। और भाई अभी आए हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। और जैसा कि आपको पता है भाई, ये वाला ब्लॉग बहुत ही बहुत तगड़ा होने वाला है। और जैसा कि अभी तक आपने देखा, जो भी अभी सिनेमैटिक शॉट्स थे हमारे उतरते के साथ, ठीक है। और भाई थंबनेल में तो मैं दिखाऊंगा नहीं कि भाई कहाँ आए हम, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ठंड होगी, बट भाई बिल्कुल नहीं है, गर्मी है यहाँ पे ना। जैसा अभी दिल्ली में ठंड है, वैसे तो बिल्कुल नहीं है भाई। जैसे दिल्ली में जुलाई और अगस्त में वैसे गर्मी होती है यहाँ पे। हाँ भाई, बहुत मतलब ठीक ठाक भी नहीं है, उतने ज़्यादा भी नहीं है। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं भाई, अभी 11 बज रहे हैं। और ट्रेन ने हमारी अब जाके छोड़ा है, सोच लो हमें कितने घंटे हो गए, 36 घंटे। भाई आ गए हैं अभी सारे लोग, अब जाएंगे हम यहाँ से होटल देखने। और होटल का भी जो भी प्राइस वगैरह रहेगा और ट्रिप का सारा खर्चा हम आपको बता देंगे, ठीक है। और हाँ, वैष्णो देवी वाली ट्रिप का खर्चा बता दो भाई, लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका खर्चा नहीं बताया। अराउंड हो गया था 12,000 जो खर्चा हुआ है सिर्फ, अभी अब तक हमारे टिकट का खर्चा है, हमने आगे का जोड़ा नहीं है। बाकी तो भाई बार बार के लाया, भाई खाना पीना सब घर से लाया। और आप लोग भी लेके आना, क्या सफर रहा? सफर एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया जी। सबसे बड़ी बात है भाई, ट्रेन में जो हमें साथी मिले उन्होंने इतना एंजॉय करवाया, डांस हुआ है, आप देख के शौक रह जाओगे। हमें यहाँ का एक भाई मिला है, वो यहीं इनका घर यहीं पे है, वो हमें शाम को मिलेगा जब हम बीच पे जाएंगे हमें घुमाने। वो वाले भाई वो भी मतलब उनसे भी अपना भी चैनल सब्सक्राइब कराएंगे ताकि वो भी ब्लॉग में आए। और वो भी अपना, और भाई तुम लोग भी शेयर नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो क्या कर रहे हो भाई, कोरोना दे रहे हो? अब हम आपको बाहर की जर्नी दिखाएंगे कैसी है, समुंदर, बीच, मंदिर, सब कुछ। बाकी जो कल होगा वो सरप्राइज है, वो बता नहीं सकते। और हाँ भाई, लोग जाते होंगे क्लबों में पार्टी करने, पर भाई सारे प्यार से कमेंट में लिख देना जय जगन्नाथ। आई होप कि आप लोगों ने जय जगन्नाथ जी लिख दिया होगा। बाकी ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी, और कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखना मत भूलना।